अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मुकम्मल आसिफ और मैं आपको यहाँ स्पोर्ट्स गपशप के सेकंड एपिसोड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो क्रिकेट की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा है। आते के साथ ही इन्होंने सबको अपना मद्दा कर लिया पीएसएल में। वैसे इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है लेकिन पीएसएल में कराची किंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं और पहले ही सीजन से आए और छा गए। तो आज के हमारे मेहमान रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है उमर खान हमारे साथ मौजूद हैं। उमर अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया पूछने का। उमर नया एक्सपीरियंस है क्वारंटीन में रहने का, कोई एक्सरसाइज बाहर नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है क्रिकेट की, कैसा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है क्वारंटीन में? हालांकि ये पहली दफा इस तरह हुआ हमारे साथ, यानी पूरे उसमें तो एक्सपीरियंस ये भी फेमस रहता है। और जिस तरह ये बीमारी फैली हुई है तो हम अपनी केयर करेंगे और अपनी जो घर घर में रहेंगे उसके घर में और अपनी घर में एक्सरसाइजेस करते हैं, जिस तरह कोर होगी या कोई और जिम शिम का सामान थोड़ा बहुत रखा हुआ है तो वो करते रहते हैं। बाकी रनिंग शनिंग का थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि बाहर भी नहीं जाते, बाहर ग्राउंड बंद है, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है घर में भी ये वाला। अच्छा, कुछ खास कर रहे हैं घर में क्वारंटीन में? अभी हमने देखा सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज चल रही हैं, उसमें नजर नहीं आया, तो कुछ ऐसे तरह की एक्टिविटीज सोशल मीडिया वगैरह पे इन्वॉल्व हैं? नहीं, सोशल मीडिया में तो नहीं, बस अपनी जो मेहनत है वो कर रहे हैं, अपनी जो जिस घर में पुशअप हो सकते हैं, चिन अप हो सकते हैं, स्क्वाट शॉट हो सकते हैं, कोर एक्सरसाइज हो सकते हैं, तो जो जो जितने भी यानी एक्सरसाइज हैं खड़े होकर तो वो करते रहते हैं। बाकी रनिंग का थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि इधर बाहर ग्राउंड भी बंद है तो बस हल्का फुल्का यो यो सेटअप थोड़ा हल्का फुल्का लगा लेते हैं, तो यही होता है बस, बाकी जबरदस्त यही करते जबरदस्त, हैं। आपकी बॉडी लगती नहीं है कि आप जो है वो करते हैं, लेकिन पीएसएल की परफॉर्मेंस आपकी शानदार थी, उससे लगता है कि काफी ट्रेनिंग होती है। उमर पीएसएल पे अगर आए तो रावलपिंडी से ताल्लुक, कराची किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह ये जर्नी जब स्टार्ट हुई, आते के साथ ही आपने जो है वो एक जादू सा कर दिया, सबके दिलों पर राज करने लगे, कैसे ये सब स्टार्ट? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी थी, और दूसरा मेहनत की थी, वालिदैन की मेहनत थी, फैमिली वालों की मेहनत थी, साथ और सपोर्ट थी, तो इस वजह से अल्लाह पाक ने पीएसएल में अच्छा नाम बनाया बनाया, अच्छा परफॉर्म किया है उधर, तो कोशिश यही है। और इस दफा उस तरह चांस मुझे नहीं मिला, अगर मिलता तो इंशाल्लाह और भी इम्प्रूव करता और भी अच्छा करता, तो यही है बस, अपने चांस पे हूँ, अगर जैसे ही चांस मिलता गया तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अपनी बेस्ट करूँ। अच्छा उमर, परफॉर्मेंस पे अगर आपकी नजर डाली जाए तो 19 विकेट 17 मैचेस में, अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन है अब तक की पीएसएल की? जी बिल्कुल, पिछली दफा जो परफॉर्मेंस हुई थी अच्छी हुई थी, इस दफा मुझे उस तरह चांस नहीं मिला और परफॉर्म यानी मैचेस अप डाउन होता रहा, तो जैसी बस हर प्लेयर का यही होता है कि यार उसको चांस मिले वो अपने बेस्ट करे, तो इंशाल्लाह यही है। इस दफा मुझे उस तरह अच्छा नहीं लगा क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह करे अगली दफा अगर आया तो इंशाल्लाह अपनी मैचेस मिले तो उसमें और भी भरपूर कोशिश करूंगा और अच्छा परफॉर्म करूँ, जिस तरह पिछले दफा किया था उससे खत्म करके अगली दफा और अच्छा करूँ, इससे बेहतर करूँ। अच्छा उमर, अगर आपकी फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस पे नजर डाली जाए तो पहले ही जो आपका डेब्यू मैच था स्विस साबन गैस कंपनी की तरफ से, उसमें ही आपने 5 रन ले लिया था, फिर कराची किंग्स में जब आए तो पहले ही मैच से जो है वो अपना एक नाम बना ले, तो क्या ऐसा खास करते हैं कि आते के साथ ही बस जब मौका मिलता है उसको ग्रैब कर लेते हैं और फिर सबके जो है वो आंखों के तारे बन जाते हैं आप? यही है खास, सबसे ज्यादा मेहनत है, बंदा अगर मेहनत करे तो उस मेहनत वो कभी कभी भी जाया नहीं होती। अगर आपका मेन जगह अगर फर्स्ट करो फर्स्ट क्लास का मेन मैच है या कोई और है तो उसमें अगर आपने मेहनत की होती हो तो आपको परफॉर्म भी अच्छा होगा, आपसे सब कुछ अच्छा होगा, तो सब कुछ मेहनत पे और बाकी स्पोर्ट पे बंदा किस तरह मेहनत करता है, तो इस वजह से अल्लाह पाक ने दी दी थी इतना परफॉर्म कराया अल्लाह पाक ने, इस यही वजह है बस अपनी मेहनत और सब। अच्छा पीएसएल, पिछले पीएसएल में आपके लिए एक नाम यूज हुआ, एक लकब कह लें या नाम कह लें, जाइंट किलर, वो किसने दिया, कहाँ से इवॉल्व हुआ, और जब लोगों ने वो कहना स्टार्ट किया तो कैसा कैसी फीलिंग आई आप?
वो नाम तो वसीम भाई ने दिया था क्योंकि पिछले दफा काफी अच्छा परफॉर्म है, तो सारे बड़े प्लेयर मैंने आउट किए थे, तो इस वजह से उन्होंने वसीम भाई ने कहा कि यार आप जेंट किलर हो ना, तो इस वजह से नाम यानी वसीम भाई ने डाला है। और बाकी यही क्या कह सकते हैं, बस यही है। खुद इस नाम से मतलब सही लगता है कि जायंट किलर कहना, या बोलते हैं नहीं यार अभी बहुत टू अर्ली है ये इस तरह के वो मिलना, या एक लेजेंड ने दिया तो नहीं पूछ चला के दिया होगा? जी, लेजेंड ने दिया वो तो हम नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि वो तो हमारे लेजेंड है, उसने नाम दिया। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इससे और भी अच्छा इंशाल्लाह करूं। अच्छा उमर, आप एज ए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आए, पीएसएल में आपकी एंट्री हुई, बहुत सारे स्पिनर्स को जो है वो हर इनफैक्ट हर किसी का भी है कि पीएसएल सब हर क्रिकेटर का इसको गोल होता है। आपने आते के साथ ही कराची किंग्स बड़ी फ्रेंचाइज में आपकी एंट्री हुई, फिर आपने परफॉर्म भी करके दिखाया, और सबसे बड़ी बात कि आपको बड़े बड़े नामों के साथ जो है वो खेलने का मौका मिला। पहले सीजन में आपने शाहिद अफरीदी के साथ जो है वो पार्टनर वो ड्रेसिंग रूम शेयर किया, फिर आप जो है वो इस सीजन में आपने इमाद वसीम, कैमरन डेलपोर्ट और एलेक्स हिल जैसे खिलाड़ियों के साथ किया, और सबसे बड़ी बात डीन जोन्स जो कि बड़े ही जाने जाते हैं अपनी कोचिंग के लिए, अपने ज्यादा मिजाज के लिए। तो शुरू से ही बड़े नामों के साथ रहकर कितना सीखने को मिला, और किस तरह उनसे आपने जो है वो चीजें गेन करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो डोमेस्टिक में आते हैं। डोमेस्टिक में जब मैं जब जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो मुझे यूबीएल वालों ने पिक किया था, उसमें यूनुस खान, शुएब मकसूद, अहमद आजम, एहसान आदू, फवाद तो उनके साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, बिल्कुल ड्रेसिंग रूम शेयर किया था। तो उसके बाद फिर जब पीएसएल में आया हूँ, पीएसएल में फिर इमाद वसीम लोग सारों के साथ, ये हो गया क्या कहते हैं, डेलपोर्ट हो गया, इंग्रम हो गया, एलेक्स हेल्स हो गया, जॉर्डन हो गया, तो इन सब सारों से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। आमिर भाई हो गए, बाबर आजम हो गया, सारे, तो इनसे यानी हर प्लेयर की यही होती है कि यार वो अपने बड़े प्लेयरों के साथ रहे, उससे कुछ सीखे, तो मैंने भी बहुत इनसे कुछ सीखा, ड्रेसिंग रूम शेयर किया और इनसे बहुत कुछ सीखा। जिस तरह डीन जोन्स, वसीम भाई, तो वही था जब मैच से पहले होता था, ये लोग सिचुएशन ये बॉलिंग करनी है, ये इस तरह करना है, बैट्समैन को ऐसे रीड करना है, इसको ऐसे खिलाना है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उधर से। अच्छा, डीन जोन्स के जो ड्रेसिंग रूम का माहौल वो बनाते हैं, एक एनर्जी लाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं या फ्रेंडली हैं यंग प्लेयर्स और जो प्लेयर्स हैं ड्रेसिंग रूम में, किस तरह का उनका बिहेवियर होता है ड्यूरिंग द मैच और ऑफ द फील्ड? उनका ही बिहेवियर होता है कि बस जब मैच स्टार्ट हो तो आप बस जंग स्टार्ट हो गई है, आपने बस फतह हासिल करनी है, आपने कोशिश करनी है कि यार बस मेरे सामने कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मैंने अपना काम जो करना है वो बहुत अच्छा उसे, यानी बॉल टू बॉल बताते रहते थे, बॉल टू बॉल वो स्कोर देखते थे कि क्या सिचुएशन है, कभी भी रिलैक्स नहीं बैठते थे, ये बताते थे कि यार ये करना है इस टाइम, ये करना है इस टाइम, ये करना है, तो काफी हमारी जो टीम थी काफी इम्प्रूव किया उन्होंने सारों ने, यानी कोच ने, मैनेजमेंट ने, प्लेयर्सों ने, तो काफी हमने पिछले बनिस्बत इस दफा बहुत अच्छा खेला हमने पीएसएल। अच्छा, लास्ट चीज पीएसएल से रिलेटेड, वसीम अकरम और डीन जोन्स की जोड़ी ड्रेसिंग रूम में क्या किरदार अदा करती थी दोनों मिलके? दोनों दोनों लेजेंड है, दोनों ने बड़ा बड़े कोच, हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, और ये गेम प्लानर है, जिस तरह गेम प्लान करते हैं ना उस हिसाब से चलते हैं, वो बहुत बहुत टीम के लिए बहुत अच्छा था, वसीम भाई और डीन जोन्स। अच्छा उमर, थोड़े से आप क्रिकेट पे आते हैं, किस तरह क्रिकेट में आना हुआ? जाहिर सी बात है पाकिस्तान में ज्यादातर या फिर लड़कों को काम पे लगा दिया जाता है या पढ़ाई की तरफ पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि पढ़े, तो आपका क्रिकेट में आना कैसा हुआ और घर वालों का सपोर्ट थ्रू आउट अब तक कैसा रहा है? मेरा तो यही था, मैं जब स्कूल क्रिकेट खेला तो क्या कहते हैं उसमें मुझे, यानी मैचेस खेला था, उसके बाहर हो गया था, अंडर 16 फाटा से खेला था, तो उस टाइम भी यानी अंडर 19 से एक साल बाहर हो गया था, दूसरे साल मुझे खिलाया तो साकिब भाई ने यानी खिलाया, फिर उसके बाद मुझे यूबीएल वालों ने पिक किया, यूबीएल वालों ने जब पिक किया मुझे तो नदीम भाई, उमर भाई ने मुझे, पिशावर में प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे उन्होंने देखा, तो उधर से मुझे पिक कर लिया था यूबीएल टीम में। जिस तरह टीम में शुएब मकसूद, यूनुस खान, अहमद आजम,
शर्जील खान, उमान भाई, ये सारे उमर सदी के थाना दिल सारे थे, तो मुझे उधर से पिक किया उन्होंने यूबीएल में फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट क्लास टीम में। पहली दफा मैं ड्रेसिंग रूम शेयर किया था उनके साथ, तो उसके बाद फिर मैंने वनडे मैचेस खेले, फिर रमजान T20 खेले, उसके बाद फिर स्वी गैस, यानी डिपार्टमेंट यूबीएल हमारा बंद हो गया था, उसके बाद स्वी गैस ने मुझे ऑफर की, तो स्वी गैस ने जैसी गेहूं कबीर भाई और अतीक भाई ने मुझे मैच खिलाया फर्स्ट क्लास का, उसमें मैंने पहले मैच में 8 आउट कर दिए थे, तो उसी मैच में फिर मेरा कराची किंग में नाम आ गया था, क्योंकि उसमें उनके इमरजिंग जरूरत था, तो उन्होंने मुझे पिक कर लिया था, फिर उधर से ही मेरी क्रिकेट खुल गई थी। बिल्कुल जबरदस्त मेहनत थी, बाकी घर वालों की सपोर्ट थी, वालिद साहब की बड़ी सपोर्ट थी, क्योंकि वालिद साहब तो हर जिधर भी हम जाते थे तो वो हमारे साथ ही होते, तो उन्होंने मेरे लिए काम सारा सब कुछ छोड़ दिया था, तो मेरे साथ ही होते थे, तो आज जो भी उनकी वजह से हूँ। जबरदस्त, आपने भी उनको पे ऑफ किया, उन्होंने जितनी भी एफर्ट्स की और अब तक काफी अच्छी जर्नी आपने कवर की और इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे। उमर, जब PSL में आए, परफॉर्मेंस दिखाई, तो घर वालों का, दोस्तों का कैसा रिएक्शन था आपकी तरफ? और एक होता है ना कि जब बंदा परफॉर्म करता है और नाम बनाता है तो घर में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होता है, इस तरह की कोई चीजें नहीं आपके साथ? नहीं, वो तो शुक्र है अल्लाह का, PSL से पहले ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि यानी सारे जो घर वाले, मामू चाची सारे जो है रिस्पेक्ट करते हैं सारे, और जिस तरह PSL में परफॉर्मेंस हुई थी, जिस तरह नाम आया था, वो आया था तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा खुश थे सारे, क्योंकि एक इज्जत होती है कि यार एक मुल्क के लिए खेलना और उस नजदीक खेलना उनके, तो वो इज्जत बाकी घर वालों की सारी, यानी जो खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, जिस तरह PSL में परफॉर्म, उससे और ज्यादा इज्जत बनी और खुशी हुई सारों को, तो यही थी हर प्लेयर का यही ख्वाब होती है कि यार मैं अच्छा खेलूं और नाम बनाऊं, तो यही है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नाम बनाऊं, उससे और भी ज्यादा नाम बनाऊं इसमें बिल्कुल पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, फैंस की नजर में आपने काफी अब तक नाम बना लिया है। उमर, थोड़ा सा आपकी जो है वो डेली रूटीन पर आते हैं, डाइट किस तरह आप मैनेज करते हैं? अभी ऑफ सीजन है, क्रिकेट नहीं है और अब तो क्वारंटीन पीरियड है, घर पर रह रहे हैं, तो किस तरह से अपनी डाइट को मैनेज करते हैं? कोई खास स्ट्रेटेजी है उसमें? डाइट में तो अपना बस जो घर का खाना होता है वही खाते हैं, ज्यादातर बाहर की चीजें नहीं खाते, जिस तरह ये तली हुई चीजें हो गई हैं, पराठे शराठे हो गई हैं, तो शुक्र अल्लाह का कभी खाते नहीं, चावल हो गए हैं, तो डाइट की ये है कि बारबेक्यू ज्यादा खाता हूँ इधर, तो क्या कहते हैं, फिश हो गया, घर में जो जो पका होता है, यानी सब्जी सब्जी होगी तो वो खाता हूँ, यानी बाहर के स्वाद में। खुद कुछ पकाने वगैरह का शौक है आपको? वो खुद बारबेक्यू का शौक है, बस वो जबरदस्त बना लेता हूँ। जबरदस्त। उमर, नेशनल टीम का जो मैनेजमेंट है और जो प्रोविंशियल टीम्स की मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से बड़ा अभी फिटनेस पे फोकस किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हर प्लेयर ने या फिर अपना कोई न्यूट्रिशन हायर किया हुआ है, वो एक बड़े लेवल पे है और एक प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल उनका है जिसको फॉलो करते हुए वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। आपका भी यकीनन यही होगा, उसे पूछना ही चाहूंगा कि अभी आपकी उम्र 20 साल है, तो इन बिटवीन कभी दोस्तों यारों में हैंग आउट करते हुए या कहीं ऐसा चीट डे वगैरह, कोई खा लिया, यहाँ चले गए, वहां चले गए, इस तरह की कोई चीजें हो जाती हैं? नहीं, इस तरह की तो असल में मेरा जो साहब है, और बस ग्राउंड में जाते हैं, अल्लाह के शुक्र है, ईद में भी हम जाते हैं, ईद के दूसरे दिन से हम स्टार्ट हो जाते हैं, दूसरा कभी घूमने घूमने फिरने हम नहीं जाते, अपने जो यही गोल बनाए हुए कि यार मैंने सिर्फ खेलना है क्रिकेट, पाकिस्तान के लिए खेलना है और अपना नाम बनाना है, और यही गोल है मेरा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और भी मेहनत करें मजीद, और यही गोल है। बाकी फिटनेस का माशाल्लाह, उस दिन भी फिटनेस टेस्ट था, ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट था, वो क्लियर कर दिया पूरा, तो शुक्र है अल्लाह पाक का, माशाल्लाह फिट है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा रहा है ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट का, अच्छा रहा है, क्योंकि पहले भी हमारे उसमें सिर्फ वेट मशीन वेट वाली नहीं है, बाकी ये योग किया है, क्या कहते हैं, पुश अप चिन अप सारे जो घर में करते हैं, वही ऑनलाइन टेस्ट था, तो वो माशाल्लाह पास कर दिया उन्होंने। अच्छा उमर, एक और चीज पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको पर्सनल भी कह सकते हैं, लेकिन जब PSL में फेम हुई तो कुछ फैंस बने आपके, तो
तो सोशल मीडिया भी आप यूज करते हैं, तो कोई ज्यादा फैंस वगैरह की तादाद हो गई है, किस तरह वो आपको अप्रोच करते हैं आपसे बात करने के लिए? जी बिल्कुल नहीं, मैं मोबाइल से बस एक ट्विटर यूज करता हूँ, बाकी मोबाइल से कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर दूर रहूँ। ये तो शुक्र है बस अल्लाह का के फैंस की दुआओं से ये अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी थी, तो यही है, कोशिश यही करता हूँ कि सोशल मीडिया से यानी मोबाइल से थोड़ा सा यानी दूर रहूँ और अपना जो वर्क है वो करूँ, अपना जो क्रिकेट पे फोकस है वो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, और मोबाइल बहुत कम यूज करता हूँ मैं। अच्छा, 2-3 मैचेस में इनिशियल जब आपने परफॉर्म किया कराची किंग्स के लिए, उस वक्त दुबई में PSL हो रहा था, तो कोई चेंज महसूस हुआ? यानी कि बाग-बाग क्रिकेटर से सुना है कि जब परफॉर्मेंस करके होटल पे जाते हैं तो फैंस आते हैं तस्वीरें खिंचवाने, तो कोई ऐसा वाकया याद है, कोई ऐसी मेमोरी जो आपके दिमाग में रह गई हो, यार ये बड़ा जो है ना इंटरेस्टिंग सा मेरे साथ हुआ, फैंस आए हो, या इस तरह का कुछ शेयर करना चाहें? बिल्कुल, जब जब PSL के लिए मेरा नाम आया हुआ था तो मैं जाल में जा रहा था, तो यानी उस टाइम तो सारे प्लेयर कह रहे थे यार ये कौन सा प्लेयर है, यानी प्लेयर जाने जाते जो हमारे साथ सीट में बैठे हुए थे यानी हम ही नहीं पहचान रहे थे, वो बड़े प्लेयर, वो बाबर आजम आ गया, वो ये आ गया, वो आ गया। तो जैसे ही जब अल्लाह पाक ने PSL में परफॉर्म किया, अल्लाह पाक ने यानी इज्जत दी थी, जब वापसी हम पाकिस्तान आ रहे थे तो फिर जब जाल में हम आ रहे थे तो जो जिधर पास हमारे बैठे हुए थे यार उमर खान उमर खान उमर खान, यार ये आ रहा है या वो आ रहा है, तो उसमें यानी PSL ने मेरे जो थी है वो सारा चेंज कर दिया मेरा, यानी नाम शोहरत बनी है, नाम बना है। बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग चीज हुई हो फैंस की तरफ से, या कोई पर्टिकुलर के यार वो आपके दिमाग में रह गया हो कि यार ये बड़ा जो है ना इंटरेस्टिंग सा वाकया हो गया मेरे साथ? यार ये वाक्य तो कुछ तो होगा यार। नहीं, उस तरह कोई वाक्य नहीं हुआ मेरे साथ, उस तरह कोई वाक्य नहीं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा मेरे। अच्छा, जबरदस्त, आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई। अब थोड़ा कराची किंग्स के प्लेयर्स की तरफ आते हैं, आपने 2 सीजन गुजारे, तो मेरे पास कुछ सवाल हैं प्लेयर्स से रिलेटेड, तो वो आपने बताना है कि कौन सी आदत या कौन सी जो है वो चीज किस प्लेयर से मैच करती है। तो सबसे पहली चीज जो मेरे पास है वो है, सबसे मैसीएस्ट पर्सन कौन है, मतलब बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना ड्रेसिंग रूम में आके सामान फैला देना और इस तरीके की चीजें, तो कौन सा ऐसा प्लेयर है? ऐसा प्लेयर तो सामान फैलाना तो कोई नहीं, जो आपने यानी जिधर बैठे हुए हैं हम यानी फर्ज करें आप ये मेरी सीट है ना, तो मेरे सीट के सामने किसी दूसरे का सामान नहीं होता, तो ऐसा सामान फैलाने वाला कोई भी इस नहीं, तरह प्लेयर नहीं है कराची के। जिसका आपका जैसे ड्रेसिंग रूम में अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, तो सबसे गंदा जो मतलब कहते हैं ना कि सामान बिखरा हुआ कंपार्टमेंट किस खिलाड़ी का है? बिखरा हुआ क्या कह सकते हैं अभी यार, मुश्किल सवाल है, कोई भी इसी तरह नहीं है लगता सारे जो डर है। रहे नहीं किसी खिलाड़ी का नाम लेने से? नहीं 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 वो असल में इस तरह कोई भी यानी नहीं है, मैं खुद मुझे पता है ना, यूज अच्छा किया अच्छा चलिए मैंने इसका अपोजिट सारे। करते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बड़ा मैनेज्ड हो, जिसकी चीजें जो है बहुत ज्यादा मैनेज्ड हो, सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा प्लेयर है, किस तरह क्या चीज़ मतलब जिसकी किट वगैरह एक जगह लगी हुई हो प्रॉपर, जिसके बैट्स वगैरह बहुत जो है वो अच्छे तरीके से रखे हुए हो, चीजें बहुत मैनेज करके रखता हो, अपना ख्याल रखता हो अपने किट का, अपने चीजों का? मैनेज करके, वो है मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान। अच्छा मोहम्मद रिजवान। जबरदस्त। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में सबसे ज्यादा मजाकिया कौन है, जुकते वगैरह कौन करता है सबसे ज्यादा प्लेयर्स के साथ? प्लेयर्स के साथ तो झुकते ही और इशारे करते, हमें इफ्ती भाई बहुत हंसाते थे, इफ्तिखार अहमद। सही, जबरदस्त। और सबसे ज्यादा जो बातें करता हुआ, जो हर वक्त बस बोलता ही रहता है, वो कोई है प्लेयर? सबसे ज्यादा बोलते वाला बोलने वाला अरशद इकबाल। अच्छा, खामोश रहने वाला प्लेयर जो बिल्कुल अपने काम से काम रखता हो, बस मैच खेलने जाता हो, फील्ड पे प्रैक्टिस करता हो, ड्रेसिंग रूम में आके आराम से अपना अपने काम से काम रखता उसमें है, मैं खुद कह सकता हूँ अपने आप को। हो? अच्छा, आप खुद खामोश रहने, जबरदस्त। अच्छा,
अच्छा कोई ऐसा है जो हर वक्त जो है वो क्रिकेट मतलब समझाता रहता हो सबको कि भाई ये कर लो, यूं कर लो, ऐसे कर लो, कोई ऐसा प्लेयर है जो मतलब क्रिकेट की बात करता हो हर वक्त? क्रिकेट की बात तो असल में जब हम बाहर आते हैं तो उस टाइम कोई भी यानी क्रिकेट के यानी वो नहीं करता, बातें शाते नहीं करता, बस अपनी जो आज हंसी मजाक जो गाड़ी में, तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो क्रिकेट की बातें करता हो। अच्छा लास्ट चीज है इसमें, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो मतलब बड़े महंगे कपड़े पहनता हो, महंगे फोन वगैरह, और थोड़े से स्टाइलिश टाइप? और स्टाइलिश तो उसामा मीर, सामा मीर, उसामा वो एक होता है ना ब्रांड आके के ब्रांड जो है वो कपड़े पहने हैं, इस तरह कोई प्लेयर सामा मीर के अलावा? आवाज आ रही? जी। मैं कह रहा था कि उसामा मीर तो स्टाइलिश हो गए, कोई एक खिलाड़ी है ऐसा जो मतलब महंगे महंगे कपड़े लेने का शौक हो? दुबई भी लास्ट टाइम था, आप शॉपिंग ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करता हो, उसामा मीर ही है, उसामा मीर है। मैं उसामा जबरदस्त मीर। जबरदस्त। अब उमर आपके लिए मेरे पास कुछ नाम है प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स का नाम है, उन प्लेयर्स का नाम सुनते के साथ पहला ओपिनियन जो आता हो ऑनेस्टली वो बताएगा, कोई एडवाइस भी हो सकती है, कोई मैसेज भी हो सकता है, कोई आपका उनके लिए कोई इंस्पिरेशन भी हो सकती है। तो पहला नाम है बाबर आजम, मेहनती। मेहनती वसीम अकरम, लेजेंड, लेजेंड, जबरदस्त। उन्होंने तो आपको जॉइंट किलर का बड़ा अच्छा सा नाम दे दिया है। बिल्कुल आपके कोच कराची किंग्स के डीन हाशिम, डीन जोन्स, गेम प्लानर, गेम प्लानर, जबरदस्त। शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी तो मैच विनर, रमीज राजा, बेस्ट कमेंटेटर, इमाद वसीम, इमाद वसीम, इमाद वसीम, ऑलराउंडर, गुड ऑलराउंडर कह सकते हैं। लास्ट नेम है शर्जील खान, बेस्ट हिटर, बेस्ट। एक और नाम ऐड कर लें, सरफराज अहमद, सरफराज अहमद, क्योंकि वो कप्तानी यानी वो चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी उसने, तो यही है, बेस्ट कैप्टन कह सकते हैं उसे। जबरदस्त। बड़े अच्छे जवाब दिए उमर आपने। उमर कभी ऐसा दिमाग में आया, कभी ऐसा सोचा हो कि यार क्रिकेट अगर पहला ऑप्शन अगर फुलफिल नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन क्या रखा होता उमर एज ए प्रोफेशन? सेकेंड ऑप्शन, जब अगर फर्ज करें पहला ऑप्शन क्रिकेट नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन ये या जॉब, जॉब किस तरह की कोई? जिस तरह हमारे खानदानी जॉब है यानी टायर शायर पंचर शंचर का ये काम, तो अब अपने अबू के साथ हाथ बटाता। अच्छा तो आपके अबू की पंक्चर शॉप वगैरह है यहाँ पर, जी। जबरदस्त। अच्छा लास्ट हो गया हमारा टाइम, तो कोई आपका पाकिस्तान की, ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम में ही लास्ट तो टारगेट होता है, तो किस तरह की प्लानिंग है पाकिस्तान की टीम में जाने के लिए, किस तरह मेहनत कर रहे हैं कि सेलेक्टर्स की अटेंशन अपनी तरफ करें? बिल्कुल हर प्लेयर की यही ख्वाहिश होती कि यार पाकिस्तान के लिए खेले, मेरी भी यही है। पिछले सीजन से मेरी जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की यही ख्वाहिश है कि यार मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं, और अपनी भरपूर मेहनत कर रहा हूं, और जिस तरह यानी परफॉर्म पिछले दफा परफॉर्म इस दफा मुझे उस तरह चांस नहीं मिला, अगर मिलता तो मैं और भी कुछ अच्छा कर सकता, और इंशाल्लाह अगली दफा अगर अल्लाह ने चाहा तो और भी इंशाल्लाह मेहनत करूंगा, और भी पिछली दफा से ज्यादा अगली दफा परफॉर्म करूँ कि ड्रैक यानी नाम आ जाए, तो यही है इंशाल्लाह, अपनी भरपूर मेहनत करूंगा, अपनी कोशिश करूंगा, और बाकी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा एक दिन आएगा कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। बेस्ट बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, हमारी बहुत सारी दुआएं। लास्ट चीज, अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहें, कोई एडवाइस देना चाहें आपके लिए, अपने लिए फैंस मांगना से यही है कि बस चाहें? आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मुझे सपोर्ट किया, और आप लोगों की दुआओं की वजह से बस अल्लाह पाक ने ये इज्जत दिया, और इंशाल्लाह ऐसी दुआ करते रहें तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आपको मैं
इंशाल्लाह स्क्रीन में नजर आऊंगा पाकिस्तान छाड़। जबरदस्त उमर, बहुत अच्छा रहा आपका हमारे साथ वक्त, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और हम उम्मीद करते हैं कि कराची किंग्स के लिए आप अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करें और यही आपका जो है वो एक गेट थ्रू बने नेशनल टीम की तरफ। बेस्ट ऑफ लक उमर, अपनी जो है वो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम आपसे इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज़।